नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। तो भाई ये RCB टीम के सभी फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई, जहां पर कल हुए IPL 2021 के आखिरी लीग मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है, जिससे इनका कॉन्फिडेंस जो है प्लेऑफ के मैचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो ऐसे में भाइयों, अब RCB टीम को अगला मुकाबला कहां पर खेलना है, एलिमिनेटर RCB टीम कहां पर खेलेगी, इसके अलावा एलिमिनेटर मुकाबले में RCB टीम के सामने जब KKR होगी तो RCB टीम में क्या बड़े बदलाव हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं, कैसे फाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगी RCB टीम, इसके बारे में सारी बातचीत हम डिटेल में आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भाइयों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वहीं RCB टीम के जबरे वाले फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर और वहाँ से जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा My11 सर्कल ऐप के बारे में, जहाँ पर आप चैंपियंस खिलाड़ियों जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के साथ जो है हेड टू हेड खेल सकते हो। यहाँ पर टीम बनाना बेहद ही आसान है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिला करके आपको खुद की 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। वहीं दोस्तों इस इंडियन T20 लीग में यहाँ पर 1 करोड़ का प्राइस रखा गया है, जिसे आप जीत सकते हो। तो भाइयों अगर आपकी टीम ने जो है राशिद खान की टीम को और लक्ष्मण की टीम को बीट कर दिया तो वहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 गुना ज़्यादा कैश मिलने वाला है। यही नहीं, यहाँ पर वेलकम बोनस भी 1500 रुपये का मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे व्यूअर हो तो यहाँ पर आपको पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है। वहीं आपके जीते हुए अमाउंट जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ और सिक्योर है। तो भाइयों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर देखिए बहुत से लोग करोड़पति बन चुके हैं, आप भी बन सकते हो करोड़पति। इसलिए अभी जाओ तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करो और आज से खेलना शुरू कर दो। दोस्तों पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कल हुए मुकाबले की। तो IPL 2021 के लीग के 56वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला RCB टीम से हुआ, जहां पर RCB टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहली पारी में दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए, जिसे RCB की टीम ने 165 रन बनाकर 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। टीम की जीत में श्रीकर भरत और मैक्सवेल की पारी का अहम योगदान रहा, दोनों ने नाबाद 78 व 51 रन की पारी खेली। इस हार के बाद भी लीग मैच खत्म होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है पहले स्थान पर ही है 20 अंकों के साथ, वहीं RCB की टीम जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि चेन्नई की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। RCB के गेंदबाजों ने इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर सिराज ने 2 विकेट हासिल किए, चहल और हर्षल पटेल क्रिश्चियन को 1-1 सफलता मिली, जबकि जॉर्ज गार्टन को इस मैच में विकेट नहीं मिला। वहीं दोस्तों इस मैच के हीरो रहे KS भरत, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर RCB टीम को मैच जिता दिया और ये काफ़ी अद्भुत रहा था। तो भाइयों इस जीत के साथ ही इस मैच के बाद ही RCB टीम के लिए यहाँ पर लाइनअप क्लियर हो गई है कि एलिमिनेटर मुकाबला RCB टीम को अभी 11 अक्टूबर को खेलना है, जहां पर KKR RCB के सामने होने वाली है। KKR एक मजबूत टीम है और IPL 2021 के फेज 2 में तो वो शानदार फॉर्म में है, 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से 5 जीते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में जगह भी बनाई है और अपनी जगह जो है टॉप 4 में कंफर्म की है। तो KKR की टीम यहाँ पर काफ़ी अच्छी लय में है, RCB टीम के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या RCB इस मैच को जीत करके क्वालिफाई 2 में जा पाते हैं या फिर नहीं। दिल्ली के खिलाफ आखिरी लीग मैच में RCB टीम ने यहाँ पर कई बदलाव किए, जैसे कि बल्लेबाजी लाइनअप में मैक्सवेल को अपने नंबर 5 पर भेज देना, KS भरत को प्रॉपर नंबर 3 पर भेजना, वहीं डिविलियर्स को नंबर 4 पर भेजना। तो ऐसे ही बदलाव हमें अगले मैच में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो सेम प्लेइंग 11 पिछले मैचेस से खेल रही RCB टीम, जिससे उनको जीत मिल रही है, वही 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखना थोड़ा सा ये होगा कि बैटिंग ऑर्डर में RCB टीम फिर से क्या चेंजेस करती है, क्या डिविलियर्स हमें फिर से एक बार नंबर 4 पर ही खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर वो नंबर 5 पर जाएंगे, मैक्सवेल को ऊपर भेजा जाएगा। हालांकि मैक्सवेल एक ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं, वो आते ही अटैकिंग शॉट्स खेलने लगते हैं, उनके लिए बल्लेबाजी का नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए भाइयों मैक्सवेल तो नंबर 5 पर भी खेल सकते हैं, हालांकि AVD को RCB टीम जो है ज़रूर नंबर 4 पर ही खिलाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा गेंदें खेले और ज़्यादा रन टीम के लिए कर सके। तो यही सारे कुछ बदलाव होने वाले हैं RCB टीम में बैटिंग ऑर्डर को लेकर, बाकी प्लेइंग 11 जो है सेम रहने वाली है पिछले मुकाबलों के जैसे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।
वहीं दोस्तों माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपके पास चैंपियंस खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका है। तो भाइयों अभी डाउनलोड करो और आज ही करोड़पति बनो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।